जो आज की जो स्टोरी चल रहा है बॉलीवुड में, इस तरह की नॉर्थ की स्टोरी, बहुत छोटी छोटी स्टोरी, गाँव की, बॉलीवुड में काफी हिट होता है, आपको लगता है कि जो ऑडियंस है उनके टेस्ट चेंज हो गया ओरिजिनल पर? देखिए, इसका कारण सीधा सीधा ये है कि पिछले 20 सालों से लव स्टोरीज बन रही थी। दिलवाले दुल्हनिया ने वो शुरुआत की। दिलवाले दुल्हनिया ग्रेट फिल्म है, माइलस्टोन है हिंदुस्तानी सिनेमा का। और हम लोग, हम मैं नहीं, मतलब हमारी फ्रटर्निटी NRIs के लिए पिक्चर बनानी होगी, ओवरसीज के लिए पिक्चर बनानी होगी। ओवरसीज मार्केट एकदम सडनली सबसे हॉट मार्केट हो गया, तो हम उनको केटर करने लगे। वो शावा शावा वाले गाने, उस तरह के कपड़े, उस तरह की लव स्टोरीज जो कि उनको, और सडनली हम अपने जनता, जो हमारी अपनी मूल जनता है, ऑडियंस, उनके बारे में भूल गए। तो टाइम आया रीजनल पिक्चरों का, इसलिए भोजपुरी फिल्में बनने लगी, है ना। तो जो आम जनता थी वो थोड़ी आई हेट लव स्टोरी या इस तरह की जो फिल्में जो भी आती हैं वो कहीं से रिलेट नहीं कर पाते वो लोग। तो उन्होंने सडनली मराठी रीजनल सिनेमा का, एकदम बंगाली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा हुआ, उसका कारण यही है। अब ये हो गया कि क्योंकि थिएटर्स खुल गए छोटे छोटे शहरों में, तो जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल, एक मिडिल क्लास था, वो भोजपुरी पिक्चर नहीं देख सकता ना। एक डॉक्टर साहब या वकील साहब लखनऊ के, वो थोड़ी जाएंगे निरहुआ रिक्शा वाले की पिक्चर देखने। और वो आई हेट लव स्टोरी या जो भी इस तरह की जो फिल्में हैं NRI सेंट्रिक, उन पिक्चरों को जबरदस्ती देखता था, रिलेट नहीं करता था। और फिर सडनली ये फिल्में आने लगी, दबंग और वांटेड और ये वो, गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर इस तरह की फिल्में, और फिर वो आदमी उन पिक्चरों से रिलेट करने लगा, यार तो मेरी जमीन की बात हो रही है, और उसको थिएटर भी मिल गए ये पिक्चर देखने के लिए, दोनों एक साथ हुए, इसलिए ये सिनेमा इमर्ज किया।